बेरी के दरख्त के सामने से गुजरता हूँ यहाँ सामने गली में, अब एक आध बेर गिरना शुरू हो गए। गधा है, उसकी एक टांग नीचे है, दो टांगें नीचे हैं, और दो इसी सांप के पास चला गया। फिर वो अब कॉलोनी बन गई और मकान बन गए। अब दो रास्ते से घर जाने के, एक था दूसरी गलियों से होके, एक उसमें वो करीब रास्ता था। हाथ पर ये मिट्टी और ये अमल करें, जिन्नात की चीहे निकालें। हजरत साहब बताएंगे इस वीडियो में, छोटा सा अमल है, शायद किसी को पता हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। 100 लाइक्स। बेरी के दरख्त के सामने से गुजरता हूँ यहाँ सामने गली में, अब एक आध बेर गिरना शुरू हो गए हैं। मैं आ रहा था तो मैंने दूर से देखा, रमजान था, कोई चंद रमजान पहले की बात है, दूर से मैंने देखा ऐसे अपने घर से सहरी करके जल्दी जल्दी आ रहा था कि यहाँ के इंतजामात में मैं अपने अहबाब का साथ दूं। तो आ रहा था, गली बिल्कुल सुनसान थी, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गधा है, उसकी एक टांग नीचे है, दो टांगें नीचे हैं, और दो टांगें दरख्त के ऊपर हैं। इतना बड़ा गधा है, कोई 20-30 फुट का गधा है, निचली दो टांगें नीचे हैं और ऊपर की दो टांगे ऊपर है, और वो जैसे ना बकरी दरख्त पे खड़े होके घास खाती है, दरख्त पे ना चढ़ के बकरी जैसे घास खाती। मैंने दूर से देखा कि गधा है और वो बेरी का दरख्त पे चढ़ा हुआ है, और पहले तो एकदम हैरत हुई, फिर समझ गया मैं। और मेरे पास फिर वही नुस्खा है जो पुराना है, वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहुर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। सुनाया था ना वाक्या, फिर सुना देता हूं। रंगू राम था, उसका बाग था, उसको रंगू बाग कहते थे। फिर वो किसी साहब के पास चला गया, फिर वो अब कॉलोनी बन गई और मकान बन गया। उस दौर में जब बाग था, मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर बैठ के कुछ अल्लाह की बातों की तस्करे शुरू हुए, तो देर हो गई, रमजान में गर्मियों में 9:15 बजे रात के जमात इशा की हुई, 9:15 बजे इशा की जमात हुई, घंटा ऊपर शायद और लग गया, 10 से 10 से ज्यादा हो गया। अब दो रास्ते से घर जाने के, एक था दूसरी गलियों से होके, एक उसमें रंगू बाग के अंदर से वो करीब रास्ता था। सुना था कि उसमें कुछ जिन्नात हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने पकड़ा भी, तंग किया वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जहन बात आई, मैंने कहा तवक्कल तो लल चलते हैं। मैं अभी दूर ही गया था तो मेरी वालदा रहमतुल्लाह की आवाज में आने लगी। एकदम ख्याल आया कि अम्मा ने मुझे आवाज दी, अम्मा कहां से आ गए। मुड़ के देखा कुछ नहीं, इधर अंधेरा सनसान सन्नाटा। फिर आवाज आई, फिर कुछ ऐसी आई आवाज के माई है, उसने घुंघरू पहने हुए, छन छन है, और मेरा नाम ले रही है, और इतना करीब आ रही है कि छन छनाहट भी और उसकी सांसों की आवाज। मैं समझ गया, मैंने ना मिट्टी उठा ली, मुट्ठी भर ली, वहीं मुट्ठी मिट्टी की भर ली, और मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। पीर कभी अपना मंत्र नहीं बताएगा, पीर अपना मंत्र नहीं बताएगा, हाँ बता जाएगा तो अपने कोई नस्लों को बता जाएगा। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। मैं ये पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं मैंने कितनी दफा पढ़ा था। अगर ज्यादा किसी चीज को पढ़ा जाए, गौर से सुनिएगा, अगर ज्यादा किसी चीज को पढ़ा जाए और बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, फिर थोड़ा भी पढ़ा जाए तो ज्यादा की तासीर मिलती है। जब मैंने देखा ना कि उनकी शरारत बहुत करीब है, अब वो कोई शरारत करेंगे, तो मैंने ऐसे मुट्ठी के ऊपर ऐसे फूंक मार के ना अपने पीछे से ऐसे मिट्टी फेंकी, तो निकली चीखें, ओए, 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 वो
वो मैं कह रहा हूं वो चीखी आज तक मैंने हाय हाय नहीं सुनी कि तेरे साथ हमने इतना नहीं किया था इतना किया, इतनी चीखें, इतनी तकलीफें, इतना दर्द। पता चला कब एक नहीं था, कई अनक वाले थे, एक नहीं था। हाँ वो कई थे, एक चीखें बेशुमार था तरफ से। मायके बाप कोई मर रहे भावे जीवे मवाली खोल पता से तीर। चल अपना घर चल मरो तुसा नियादी मार पवे तुसा मरो। उसके बाद फिर बेशुमार दफा गुजरा ना ना। उन्हें कहा वो जालिम जा रहा ख्याल करना, वो मैं नहीं था और मेरे पास अल्लाह का नाम था, वरना तो मुझे तो मरोड़ के रख देते, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। अल्लाह के नाम की ताकत है, हदीस में आते हैं, फरमाया इन दो लफ्जों में इसमें आजम, इन दो लफ्जों में इसमें आजम। तो मैंने देखा ना जो गधा है इतना बड़ा, मैंने दूर से पढ़ना शुरू कर दिया वही, मैं कह ले भाई अब रंगू बाग वाली कहानी और शुरू हो गई, ऐनक वाला जन और आ गया है लगता है इसे। पढ़ना शुरू कर दिया बस। अच्छा मैं जो करीब आता गया वो गधा छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, सुकड़ता गया, सुकड़ता गया, और मैं तसल्ली से चलता गया। जब करीब आया तब कुछ भी नहीं था, खत्म। एक साहब यहां मेरे पास आए थे, रहे बहुत अरसा, जाकिर शाविल थे, और रोया सादिका उनके पास था, सच्चे ख्वाब थे। मैं सब ख्वाबों पे कान नहीं धरता, इसलिए मैं खुद ख्वाब नहीं सुनाता, कभी कभार कोई ख्वाब, कोई साल में कभी, और ना किसी पे ख्वाब। ख्वाब बोलते हैं कि हम सच्चे हैं या बनावटी हैं, या ख्वाब बोलते हैं हम ख्वाब हैं या ख्याल हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अल्लाह जन्नत अता फरमावे, एक बाबा जी होते थे तो वो ख्वाब सुनाते थे। अंसारी साहब हंसते थे, ओ भाई इसको गोभी ना खिलाओ, इसको आलू ना खिलाओ, ये आलू गोभी का गैस उठता है। ये आलू गोभी का गैस उठता है। एक दफा बाबा जी नाराज हो गए, कहने लगे जिन मुझे टीका लगा रहा था तो आया उसका हाथ हिल गया ऐसे, वो जिन मेरा इलाज कर रहा था, अरे भाई इसको ना खिलाओ गोभी आलू। अंसारी साहब अल्लाह तेरी कब्रों को रोशन कर दे, ला इलाहा इल्ला। क्या लोग थे, क्या अल्लाह पाक ने उनको दिया था, इखलास था, खुलूस था, लिल्लाहियत। दोस्तों आपने अमल देखा, साहब ने एक वाकया भी बताया, उन्होंने वो लफ्ज पढ़े जो वहाँ पे अपने वीडियो में देखा, जो लफ्ज साहब ने बताए वो आपको बड़ी पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह।